हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है हिमालय और हिंदू को क्षेत्र को लेके। कंटेक्स्ट है बेसिकली कि जो विश्व का थर्ड पोल है, देखो दो पोलों के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी तरीके से एक पोल और है जिसको थर्ड पोल के नाम से जानते हैं। देखो बेसिकली पोल से आप क्या समझते हो, पोल का देखो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, मतलब क्या है कि पानी वहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में है, वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, वहाँ पे काफी मतलब एक तरीके से जो मौसम है वो रहने के अनुकूल नहीं है, वो बेसिकली पोल कहला है यहाँ पे नॉर्मली। तो जो थर्ड पोल है वो हिमालय और हिंदू कुश वाले एरिया को कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमालय और हिंदू कुश का एरिया है उसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके बाद में सबसे ज्यादा बर्फ वहीं पर पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसलिए उसको थर्ड पोल के नाम से जानते हैं। तो एक बार थोड़ा हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जो थर्ड पोल के अंतर बेसिकली आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये तो हो गया हिंदू कुश, जो कि यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास वाले एरिया में, ये हो गया हिंदू कुश, तो ये एरिया। इसके बाद में यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू हो गया और ये हिमालयन रेंज हो गई। तो ये जो एरिया है बेसिकली, और यहाँ पे आप यूपीएससी एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज में फैला वगैरह है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पे पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी यहाँ पे आ रहा है, और इसके साथ में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि तिब्बत आ रहा है, चाइना आ रहा है, और इसके साथ यहाँ पे इंडिया आ रहा है, ये नेपाल आ रहा है, भूटान आ रहा है, अफगान सॉरी वो बांग्लादेश है वो यहाँ पे आ रहा है, म्यांमार यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा हमें ध्यान रखना कि भाई कौन कौन से। अब यूपीएससी ऑप्शन क्या देगी, काफी अलग दे देगी कि श्रीलंका, तो ऑब्वियसली श्रीलंका यहाँ पे दूर दूर तक कोई उसका लेना देना नहीं है। तो ये जो एरिया अब यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ रहती है तो इसको बेसिकली थर्ड पोल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं आगे। आगे ये है कि देखो जो बर्फ वाला एरिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको बेसिकली हम क्रायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यूपीएससी ने क्रायोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। देखो क्रायोस्फीयर उसका मतलब ये होता है कि अर्थ का वो एरिया जहाँ पे पानी है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब बर्फ के रूप में जहाँ पानी पाया जाता है उसको क्रायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि जो क्रायोस्फीयर एरिया है यानी जो बर्फ वाला एरिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो लगातार श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। अभी जो स्टडी हुई रिसेंटली उससे पता चला कि जो थर्ड पोल जो कि हिमालय और हिंदू कुश के एरिया वाला है उसमें 1982 की कंपैरिजन में देखा जाए तो ग्लेशियर है वो 60% पिघल चुके हैं, 60% ग्लेशियर है उनका लॉस हो चुका है या वो श्रिंक हो चुके हैं। ये बेसिकली कंटेक्स्ट है। तो उम्मीद की जा रही है कि 21वीं शताब्दी के एंड तक, मतलब कि 2100 एंड होगा उस टाइम तक, हर कंट्रीज का देखा जाए तो एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास बढ़ जाएगा और कुछ कंट्रीज में तो 3 डिग्री, कुछ में 5 डिग्री तक भी जो टेम्परेचर है उसमें मतलब बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो सबसे तेजी से जो पिघलने वाले ग्लेशियर हैं उसमें चाइना का एक ग्लेशियर है, उस पर यूपीएससी थोड़ा पूछ सकती है, वो है बैसोई नंबर 1। तो कि आपको ध्यान रखना कि चाइना का ग्लेशियर है जो सबसे तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स में शामिल है, तो ये यूपीएससी थोड़ा ध्यान में रखना है इफेक्ट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज के बारे में। देखो इंडिया के जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है वो बेसिकली अभी बनाए जाने की बात है, अभी प्रस्तावित है, वो है आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। ये बेसिकली आसाम को मेघालय से कनेक्ट करेगा और इसमें जो फंडिंग है वो जापान के द्वारा देने की बात है वो की जा रही है, क्योंकि देखो जापान है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में डेवलपमेंट के लिए काफी सारा फंड है वो प्रोवाइड करवा रहा है इंडिया को, और इसीलिए ब्रह्मपुत्रा रिवर पे 19.3 किलोमीटर लंबा रिवर है, रिवर ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। तो ये बेसिकली थोड़ा कंटेक्स्ट है हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो ये ब्रिज है वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये आसाम को मेघालय से कनेक्ट कर रहा है, इससे आसाम से मेघालय का जो एरिया है जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी और वहाँ पे डेवलपमेंट के जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। इससे पहले बात करें कि इंडिया में अभी तक कौन सा लंबा ब्रिज है, वो है डोला सदिया ब्रिज जो कि बेसिकली 9.15 किलोमीटर लंबा है। ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर। आप ये बताइए कि जो लोहित रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। तो लोहित नदी के ऊपर बेसिकली ब्रिज बनाया गया था जो कि आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट है वो करता है। तो ये बेसिकली फैक्ट वो मैंने आप भी डिस्कस है वो कर लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है SPARC यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड कोलेब्रेशन को लेके। देखो बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसकी एक बेसिकली स्कीम है वो है लॉन्च की गई है। अब इस स्कीम को बेसिकली इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा IIT खड़गपुर के द्वारा। है क्या ये स्कीम?
देखो इस स्कीम का मेन मोटो साफ साफ यही है कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के, उनकी क्वालिटी है ना, इसको इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि इंडिया की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है इंस्टीट्यूट की वो बढ़े। क्योंकि देखो अभी तक देखा जाए तो इंडिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में, इंडिया का सॉरी वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट वो आता नहीं है। तो इसलिए इंडिया चाह रहा है कि भाई टॉप 100 में एटलीस्ट हमारे भी 5-10 इंस्टीट्यूट तो होने ही चाहिए, कम से कम अभी तक तो एक भी नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे एकेडमिक रिसर्च है उसको प्रमोट करना होगा, एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा, जो कमी है जो ट्रांसपेरेंसी है वो लेके आनी होगी। इसके साथ ही वर्ल्ड के जो अदर इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ कोलेब्रेशन करवाया जाएगा, और इसीलिए बेसिकली स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इसमें फायदा क्या होगा, हमारे जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनमें रिसर्च इकोसिस्टम है, मतलब रिसर्च का माहौल है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही हायर एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जाएगी, और उनका इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ एक से कोलेब्रेशन करवाया जाएगा, टाइम टू टाइम मीटिंग वगैरह, जैसे कि कोई प्रोग्राम वगैरह करवाए जाएंगे, जिसकी हेल्प से इंडिया के इंस्टीट्यूट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सके। तो उसके लिए बेसिकली MHRD की ये स्कीम है। ध्यान रखना कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, IIT खड़गपुर है, उसको इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे लीड रोल है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने अभी मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन आप बोल सकते हो कि जिस तरीके से हमारे देश की ग्रोथ हो रही है उसके आधार पे बोला है कि इंडिया जल्दी ही वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है वो बन जाएगा। अभी बात करें तो इंडिया है वो वर्ल्ड का 7वें नंबर का एविएशन मार्केट तैयार करके रखता है अपने आप में, और 2024 तक उम्मीद की जा रही है कि इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन कौन सी होंगी, दो कंट्री इंडिया से पहले, एक US और एक चाइना, इसके बाद में तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। अभी देखा जाए तो इंडिया 7वें नंबर पे है। 2037 तक उम्मीद की जा रही है कि इंडिया के पास लगभग 414 मिलियन पैसेंजर हैं वो और बढ़ जाएंगे। अभी तक है 572 मिलियन पैसेंजर है उनकी कैपेसिटी है, इसके बाद में 414 मिलियन के जो पैसेंजर है वो और बढ़ जाएंगे। तो देखो ये डेटा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा फैक्चुअल पता हो कि हाँ भाई कैसी इंडिया की हालात है, एविएशन मार्केट कहाँ पे क्या चल रहा है। अब हम बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। देखो ये एक तरीके की एसोसिएशन है, एक लॉबी एक तरीके की, जिस तरीके से देखो जो बस वाले होते हैं प्राइवेट बस वाले वो एक अपनी लॉबी एक अपना एक एसोसिएशन बना के रखते हैं, जिस तरीके से लेबर होती है वो एक अपना एसोसिएशन बना के रखती है, उसी तरीके से वर्ल्ड की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने एक अपना ट्रेड एसोसिएशन बना रखा है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो यह हमें ध्यान में रखना है, यह वर्ल्ड की जो 83% एयर ट्रैफिक है उसको बेसिकली कंट्रोल करते हैं, मतलब 83% एयर ट्रैफिक है वो इनके द्वारा रेगुलेट होता है। बेसिकली इसे 1945 के अप्रैल में बनाया गया था, मतलब आज़ादी से पहले इसको बनाया गया था, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन है उसको बेसिकली हम बात करें तो देखो 1919 है उसके अंदर बेसिकली इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है वो दिया गया था, और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिली है। अब हम बात करें यहाँ पे और काम क्या है, इसका काम ये है कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी और जो स्टैंडर्ड हैं एयर ट्रैफिक के लिए उनको तैयार करना, इसके साथ ही ट्रेनिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है CAPM यानी कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को लेके, अवार्ड को लेके। देखो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड 2018 का है वो इंडिया को दिया गया है। क्यों, क्योंकि भाई इंडिया ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया, इंडिया को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, इसीलिए अवार्ड वो देखने को मिला है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है क्या। देखो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि एक तरीके से किस लिए काम करता है, जो भी ऑल और इसके मेंबर हैं, तो मतलब मेंबर कौन होंगे इसके, इसके मेंबर वो कंट्रीज होंगे जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। तो वर्ल्ड की जो कॉमनवेल्थ में 50 कंट्रीज शामिल हैं, बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो कि किसी टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी है वो रही थी। बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी और इसका मेंबर नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि वो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो अभी जो देखा जाए कि एक तरीके से एक नेटवर्क का काम करता है, कैसे, क्योंकि देखो जो वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज के मेंबर हैं, मतलब कि अभी रिसेंटली 50 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो उन 50 कंट्रीज के जो टॉप पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं या फिर जो लीडिंग रिसर्चर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उन यहाँ पे आते हैं और एक तरीके से अपना कोलेब्रेशन करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वगैरह की जाती है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि है क्या इसमें।
अब बात करें इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए काम है वो कर रही है। देखो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवांस एंड पेंशन है वो बेसिकली इसके लिए काम है वो करती है, और वो इसका एक हम बात करें तो एक इंस्टीट्यूशनल मेंबर भी है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि भाई कौन इसका मेंबर है और क्या क्या इसके बारे में फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े आज के कुछ क्वेश्चन। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके लिए, वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि जो भी किसी भी टाइम की अगर हमें स्टडी करनी हो तो उसके लिए बेस्ट सोर्सेज कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है कॉइन, दूसरा है उस टाइम के जो लेख वगैरह मिलते हैं अभिलेख वगैरह वो, तीसरा ऑप्शन है पिलर, और चौथा ऑप्शन है इतिहासकार। तो आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ है वो अरेंज करनी है, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है, जिसमें चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लद्दाख रेंज, दूसरा है जास्कर रेंज, तीसरा है काराकोरम रेंज और चौथा है कैलाश रेंज। इनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। दोबारा ऑप्शन बता देता हूँ, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, काराकोरम और कैलाश रेंज को नॉर्थ टू साउथ है वो अरेंज करना है। इसके साथ ही कुछ इंडिया की रिवर हैं उनको आपको ईस्ट टू वेस्ट है वो तरीके से अरेंज है वो करना है, जिसमें आपके सामने ऑप्शन है कोसी रिवर, गंडक रिवर और सिंध नदी। तो इन तीनों को आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। दोबारा ऑप्शन बता रहा हूँ, कोसी रिवर, सिंध रिवर और गंडक रिवर है, इनको आपको ईस्ट टू वेस्ट है वो अरेंज करना है। इसके साथ ही तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से। तो आपको बताना है कि जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन थी वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है ब्रिक्स से, दूसरा है SCO से, तीसरा है इप्सा से, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। दोबारा आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ब्रिक्स, SCO, इप्सा और नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हम बात करें एक क्वेश्चन और आपके लिए, चौथा क्वेश्चन वो है बेसिकली मेथेनॉल फ्यूल को लेके। तो मेथेनॉल फ्यूल को लेके आपको मैं कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट ये है कि मेथेनॉल फ्यूल है वो परिवहन के लिए एक सबसे अच्छा सोर्स है वो अभी माना जा रहा है। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मेथेनॉल फ्यूल है इसकी हेल्प से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उनका एमिशन बहुत कम होगा। वो तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मेथेनॉल जो फ्यूल है इसको नेचुरल गैस से बनाया जाता है, मेथेनॉल फ्यूल को नेचुरल गैस से बनाया जाता है। ये आपके सामने तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो ये थे बेसिकली आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। देखो जल्दी हम क्वेश्चंस को बेसिकली रिटर्न फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी क्या एक्चुअली मैं क्वेश्चंस को रिटर्न फॉर्म में प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए स्लाइड्स वगैरह तो हम जल्दी स्टार्ट है वो करने वाले हैं, तो अभी एक दो दिन तो फिलहाल ऐसे ही चलने देते हैं। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।